हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपिटल कंप्यूटर। आज के चैनल आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी हम अपने प्रोग्राम के आइकन को शॉर्टकट से कैसे खोल सकते हैं। तो सिंपल, जैसे टाइपिंग मास्टर है और भी VLC मीडिया प्लेयर है, तो किसी भी प्रोग्राम के आइकन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टी पे जाना। प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद में यहाँ पर शॉर्टकट की ऐड करना, जैसे मैंने दे दिया Ctrl+T, तो Ctrl+Alt+T इसने बना दिया, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से बनाया था, अगर कोई और किसी और पे असाइन हो रखा तो वो। इसके बाद में यहाँ से आप अप्लाई कर दो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे। अब Ctrl+Alt+T मैं कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही प्रेस करूँगा तो देखो टाइपिंग मास्टर ओपन हो गया, क्योंकि हमने अब ये यहाँ पे ऐड कर दिया एक शॉर्टकट की। शॉर्टकट से की से भी हम अपने किसी प्रोग्राम को खोल सकते हैं। तो ये था आज का शॉर्ट टिप्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।